एक डब नजर आई है यहाँ बैठी। जबरदस्त माशाल्लाह। यार अबू बकर भाई क्या मैं नजर रख रहा हूँ यार, बहुत प्रेशर है यार इसका तो। यार आज मान गए हैं क्योंकि हम 34 क्लासिक के साथ भी हिट करते हैं, लेकिन उसकी पावर और इसकी पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 350 मैगनम की पावर में ना। तो अभी तक हमने 3 शॉट लिए हैं, तीनों के तीनों शॉट आप देखने, कोई परिंदा दूर जाके नहीं गिरा। दो तो डेड शॉट आए, अभी तीसरा भी देखें, ये भी डेड शॉट ही है, बस थोड़ा सा इसने एक दो पर हिलाए हैं, तो उसके बाद उसको आप खुद ही चेक कर सकते हैं। 350 मैगनम 0.22 करें अबू बकर भाई, डब नज़र आइए। बट ज़बरदस्त माशाल्लाह डेड शॉट आराम से, ख्याल से डेट बेटा, ख्याल से। अगर पीछे हटें तो पीछे, अगर भी पीछे हटें, एक गन है देख लें कहाँ गई। ध्यान 350 मैगनम अबू बकर भाई डब उठाने गए। चले चले, ओए ओए मसला हो गया, किसी बच्चे को अंदर भेजना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, मुश्किल बड़ी बैठी है, डब नज़र आई है, लेकिन छोड़ा ज़रा भी हिट हो गया तो ये डेड शॉट आएगा। हवा भी है और देखें, लेकिन अब ठीक हुई है, क्योंकि पहले टहनियाँ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से अबू बकर भाई को नज़र नहीं आ रहा साफ, लेकिन जिस हिसाब से ये बैठी है इस दफ़ा तो ये पक्का इंशाल्लाह डेड शॉट ही मिलेगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखना बकर भाई, ओ ये ओ अगली ज़मीन, अगली ये देखे रोड क्रॉस कर गई है, ये देखे रोड के ऊपर गिर गई, ये देखे ओ आगे जाके गिर गई है। चलो इसको रिसीव करते हैं, मिल गई है डब, दिखाएं बकर भाई, करें जी भाई इसको, ठीक है थोड़ा सा नीचे पहले हिट हुआ था, इस वजह से दूर जाके थोड़ी सी दूर जाके गिरी, अगर परफेक्ट सीने में ये कहीं पहले हिट होता तो यकीनन ये डेड शॉट ही मिलना था। व्यूअर्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केएसवी हाड़ी। तो आज हमारे पास गन है डियाना 350 मैगनम 0.22, स्कोप लगी हुई है डिस्कवरी की 4/32 फिक्स जूम में, ये हमने खुरम भाई के लिए मंगवाई है, तो आज इसको हंटिंग पे हम लेकर आए हैं टेस्ट करने के लिए। कोई यहाँ पे एक डाव नज़र आई है अबू बकर भाई को, मैं तो देखें काफ़ी पीछे खड़ा हूँ यहाँ पे, नज़र आ गई मुझे लग रहा है इसे। ये देखें इसकी कर के ऊपर ही बैठी है, जैसे डेड शॉट मिलेगा गिरती हुई ज़रूर नज़र आएगी। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त अबू बकर भाई, दिल खुश कर दिया है अबू बकर भाई। स्लो चलना, एक और बैठी है, इसको कर लो ज़िबा, इसको करो पहले ज़िबा, उसके बाद देखते हैं। खुरम भैया अल्लाह ताला आपको रिसीव करेगा माशाल्लाह, बहुत अच्छी गन है आपकी, ठीक है। आ जाए जल्दी, ओए होए इतनी ज़्यादा डब बैठी हुई मुझे नज़र ही नहीं आई। ले आई माशाल्लाह खुरम भाई, आपकी गन के साथ माशाल्लाह पहला ही डेड शॉट मिला, ये देखें ज़िबा कर लिया अबू बकर भाई ने डब को। खुरम
भाई बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। खुर्रम भाई दुबई में जॉब करते हैं, अभी भी दुबई में है, पाकिस्तान एक माह तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उनके लिए हमने ये गन मंगवाई थी और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए। गुड यार, गुड, बहुत अच्छा शॉट खेला है। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल के एस वी हाड़ी। जो न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर आए, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो आज की वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और हम इस थोड़ी सी पैकिंग भी करनी है, पैकिंग के हवाले से भी आपको थोड़ा सा बताएँगे। तो बंडल ऑफ थैंक्स हामिद भाई, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। हामिद, पिछली जो 34 क्लासिक के हमने रिव्यू किया था, वो हामिद भाई के लिए हमने हामिद भाई ने सुलेमान भाई को सुलेमान भाई ने गिफ्ट की थी, ठीक है। वो गन हमने उनको भिजवा दी है, ठीक है। उनका कुछ सामान हमारे पास रह गया था, उनकी हमने अनबॉक्सिंग करनी है। उसके अलावा बंडल ऑफ थैंक्स शाहजी बिलाल भाई फैज़ाबाद पिंडी से, तो कोमेटा फ्यूजन जो वुड स्टॉक में हमारे पास थी वो परचेज़ किया है, उनकी पेमेंट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो उनकी हमने अभी क्या क्या सामान हमने उनको भिजवाना है, तो उस हवाले से बात करते हैं। अबू बकर भाई आ जाए, ये लगाए माइक अपना, बैठे इधर, ये अनबॉक्सिंग करें इनकी। बाकी बिलाल भाई, आपका सामान जो जो सामान हमने आपको भिजवाना है उसकी मुकम्मल मैं आपको वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने कहा आपको एक एक चीज़ बता दूं कि क्या क्या चीज़ आपके पार्सल में आनी है, ठीक है। वो तो यहाँ से देना कोई, तो हम भाई एक बैग रह गया था आपका, और 3 पे 10 हमने भिजवा दिए थे आपको, बाकी कुछ आपके 3 रह गए थे, 5 रह गए थे। यहाँ से बुकर भाई ऊपर से, ओके हो गया बुकर भाई। ये गन बैग है स्पेशल, में जो भी यूज़र होता है, जो भी गन हमसे परचेज़ करते हैं, हम उसको पहले सबसे पहले कहते हैं भाई बैग ज़रूरी है, बैग के अलावा तो गन आप समझ दें। ये देखें, ये बैग है, इसके अंदर हमने कुछ टिन मंगवाए थे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 टिन प्रो मैग्नम के भाई हिफाजत हमारे पास पहुंच चुके हैं। ये है गन बैग, भाई इसकी क्वालिटी चेक करें कैसा बैग है। माशाल्लाह बहुत अच्छी, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है ना, लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट है। ये देखें, ये बैग पकड़े बगर भाई, इसको दिखाएं फोल्ड करें। ये देखें, ये साथ में ये हमारे ये आया, ठीक है, ज़बरदस्त। इसको बाद में पैक करते हैं, ठीक है। हामिद भाई, ये भी इंशाल्लाह आपके एड्रेस पे अभी हम फॉरवर्ड करवाने जा रहे हैं, पैलेट्स भी हैं आपके, वो भी आपको फॉरवर्ड करवा देंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास पार्सल पहुँचा है, ठीक है बगर भाई, इसको एक साइड पर कर दें, ये भी पीछे रख देते हैं। बाकी बिलाल भाई, ये आपका वन पीस माउंट है, ये चेक कर लें, ये वन पीस माउंट है आपका, ये एक साइड पे होगी जो डिब्बे में आने आपके पास, ठीक है। ये डिस्कवरी की स्कोप होगी, 4x32 फिक्स जूम वाली, ठीक है जी जी। ये आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्कवरी की स्कोप है, ठीक है, ये आप चेक कर लें, 100% ओके है। ये देखें, ये वाली डिस्कवरी की स्कोप है, एक आगे, ठीक है। यहाँ पे कवर लगा होता है, लेकिन कवर यहाँ पे उनका एक मिस था, उनके पास कवर नहीं लगा हुआ, फ्रंट वाला कवर लगा हुआ है, ठीक है, आगे डस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप कवर, ये एक आपकी डिस्कवरी की स्कोप होगी, ठीक है। ये देखें, ये आपकी बिलाल भाई, ये एक डिस्कवरी की स्कोप, या नहीं इसको कोई मसला नहीं, नीचे नीचे रहने दे। ये डिस्कवरी की स्कोप, ये वन पीस माउंट आपको हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये बिलाल भाई आपके 2 प्रो मैग्नम के 3 पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये भी इस साइड पे हम कर रहे हैं, ठीक है।
ये मेरे भाई लाल भाई आपकी ये गाने को मेटा फ्यूजन आसान बेटा आप जाओ शाबाश भाई। वो डब्बी ना इसमें मैच के बैलेट हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा, वो उसने बताया था ना एक। हाँ हाँ ठीक हो गया, ओके हो गया। ये देखे ये आपकी गन है, ठीक है माशाल्लाह। बस ये आपके टिन हो गए, ये वन पीस माउंट, ये डिस्कवरी की स्कोप, ये आपके बैग में इंशाल्लाह होंगी, ठीक है। ये गन आपकी माशाल्लाह पड़ी है, अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में आप तक पहुंचा दे, हमारी यही दुआ है। गन ब्रांड न्यू है, ठीक है ठीक है। बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि, और दूसरा अबू बकर भाई हमारे भाई हैं, आपको पता है वीडियो में अबू बकर भाई हम दोनों इकट्ठे होते हैं। रिसेंटली इनके वाले साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनके लिए सब जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे चाहने वाले हैं, मैं बार बार कहता हूँ हमारी फैमिली की तरह हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है अबू बकर भाई के वाले साहब के लिए स्पेशल दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। सब ने स्पेशल दुआ करनी है, और जिनके वाले साहब या वालदा, कोई बहन भाई, मामू चाचा ताया, जो भी बीमार है, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और उनका साया ता क़यामत तक आपके सरों पर सलामत रहे। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।